सदगुरु कबीर साहब आपके मसीहा थे। कबीर साहब के जमाने में हमें बात करने नहीं दिया जाता था, मंदिर में आपको जाने का अधिकार नहीं था। उन्होंने कहा कि मंदिर में भगवान नहीं है, तो भगवान कहाँ है? भगवान आपके पास में है, आपके हृदय में है, आपके घट में विराजमान है। आप फ्री हैं? हाँ फ्री हूँ। हम आए ऊपर, बस निकल रहा हूँ मैं। ओ निकल रहे हैं? हाँ एकदम, देखते हो सब, मैं बस आसन बासन कच्चे बांध लिया। अच्छा कुछ देर हमारे साथ बिता के फिर निकले। ठीक है। हाँ आए। मेरी माँ बहुत परेशान होने लगी कि किसी तरह से ये रास्ता छोड़ दे। कोई देवता के पास जाती थी, कहीं मंदिर में जाती थी, कहीं पूजा करती थी कि ये इसके कारण भी कहीं से बदलाव हो जाए। एक कबीरपंथी साधु कोई आए उस गांव में, वो गांव में आए तो बोली होगी मेरी माँ कि हमारा बेटा ऐसे ऐसे बिगड़ गया है, गलत रास्ते पे चल रहे हैं और हो सकता है उसको पुलिस काउंटर करके मार देगी, लोग भी मार देंगे, जमींदार मरवा देंगे, तो आप इसको सुधार सकते हैं? उन्होंने कहा ठीक हम कर देंगे, लेकिन आपको एक सत्संग कराना पड़ेगा अपने घर में। मैं गया वहाँ तो एक भजन हो रहा था, आज भी वो हमारे लिए वो आदर्श पद है, उसी को मैं प्रेरणा मानता हूँ कबीर पंथ में प्रवेश करने का, द्वार मानता हूँ कि द्वार यहाँ से खुला और हम कबीर पंथ में प्रवेश कर गए। रहना नहीं देश बिराना है, ये संसार झार और झाखड़ आग लगी बर जाना है, ये संसार कांटों की बारी उरज पुरज मर जाना है, ये संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े गुल जाना है, कहत कबीर सुनो भय साधु सदगुरु नाम ठिकाना है। और भाई चोट है आसमान की, गुरजान की सतनाम की, हर हर मारवान सानो साधु चोट है आसमान की। वहीं से मेरा मन लगा के बदला कि मैं जिस गरीबों के लिए, जिस छोटे लोगों के लिए, जिस निरीह लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं उस दो साथियों में ये असर आया कि कबीर साहब तो लगता है कि ये सिर्फ इन बातों से भी, इन पक्षों से भी, इन आंदोलनों से भी बड़ा आदमी है, बड़ी बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखा कि वहाँ मारपीट की नौबत है, मारकाट की बातें हैं, हिंसा की बातें हैं, और कबीर उसे विपरीत अहिंसा से लोगों का मन बदलने चाहते हैं, विचार बदलने चाहते हैं, परिवेश बदलने चाहते हैं। हमारा जो अंतर पड़ा बीच में, इस पर मैं खिलाफ हुआ। जैसे मेरे पास 200 लोग हैं, संगठन है, शक्ति है, हमारे सामने ये बाबा खड़े हो रहे हैं। क्यों खड़े हो रहे हैं? अच्छा रेल जाओ उठा के ले आओ। तो ये बाबा ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हमारे पास ताकत है, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास संगठन है, बाबा का गला काट के कुछ नहीं कर। कबीर साहब की बोली को महाराज जी ने गोली से भी ज्यादा मजबूत समझा। टिपानिया जी, दो मिनट यहाँ आ जाइए। 600 वर्ष मुसलमानों ने आक्रमण किया, तब 700 वर्ष राज्य किया, और धर्म के परिवर्तन में उन्होंने अपने चाहे तलवार का प्रयोग किया, चाहे प्रेम का प्रयोग किया, वो अलग बात है। ईसाइयों ने
250 वर्ष अंग्रेजों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, 150 वर्ष राज्य किया। और मैकाले ने उस वक्त ये समझा था कि इस देश का लोग गुलाम है, आत्मा गुलाम नहीं है, आत्मा को परिवर्तित करना है। आत्मा को परिवर्तित करने के लिए 400 वर्ष पहले जो सोच थी आज समाज में दिखाई देने लगी है। समाज के अंदर नग्नता और वासना 20% नाच रही थी। ऐसे समय में कबीर की वाणी, इन जैसे महापुरुष वो अपने जन समुदाय के द्वारा एक लंबी लड़ाई सोच लें। टिपानिया जी के अंदर जो प्रेम तो है, लेकिन थोड़ा व्यवस्था अगर बढ़ जाए तो शायद हम इस लड़ाई को और जल्दी आगे बढ़ा सकते हैं। मैडम जी, जो हमारी कबीरपंथी जनता है और आज जिस तरह से हिंदू धर्म का प्रवाह बह रहा है, जिसको हम हिंदू धर्म नहीं मानते और जो हिंदू परंपरा के बारे में वो नहीं समझते, वो राजनीति है पूरा। जिसको हिंदू बात कह रहे हैं, हिंदुत्व कह रहे हैं, हिंदुत्व की लड़ाई, हिंदूवाद की लड़ाई, वो राजनीति है, हिंदू नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग, कम से कम सैकड़ों लोग उसी बात के समर्थन करते हैं, उसी बात के पक्षधर हैं, उसके पोषक हैं। ये है, चाहे वोट के स्तर पर होता है, चाहे विचार के स्तर पर होता है, चाहे राम जन्मभूमि को तोड़ने का आंदोलन होता है, चाहे गुजरात का आंदोलन होता है, बात उसी की करते हैं, लेकिन इंसान की बात नहीं करते। कि कबीर साहब ने दोनों बात कही ना, कि हिंदू भी गलत है, यदि गलत है तो गलत है, मुसलमान भी गलत है, लेकिन हमारे यहाँ कह तो देंगे, लेकिन पक्षधरता आएगी तो आवाज़ उसकी उठती है, हमारी जनता के साथ उठती है, हमारे लोगों की आवाज़ वही उठ रही है। हम जानते हैं, अंतरंग रूप से जानते हैं, इसलिए हम आपको अंतरंग की बात कह रहे हैं। आप एक लाख कर दीजिए, कबीर समतावादी होते हैं, कबीर मानवतावादी होते हैं, कबीर इंसानवादी होते हैं, लेकिन इसकी जनता और इनकी अगुवाई करने वाले लोग अभी कहीं न कहीं से उसके प्रभाव में है, और मुझे लगता है कि अभी रहेगा। उसको हम नहीं रोक सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। एक प्रश्न आपने किया था बजरंग दल, शिवसेना संघ और ये विश्व हिंदू परिषद, वो डिफेंस में रहते हैं रक्षा के लिए, और राष्ट्र के लिए ऐसे संगठन वर्तमान में आवश्यक भी हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये कबीर साहब का भी एक संगठन ऐसा तैयार हो, कबीर सेना के नाम से तैयार हो, जो कम से कम जो बाहर से प्रहार कर रहे हैं हमारे ऊपर, कटाक्ष कर रहे हैं, उनको जवाब देने के लिए हम लोग सक्षम हो पाए, ऐसा मेरा खुद का विचार है। आपको क्या लगता है, कबीर सेना होनी चाहिए? सेना तो मेरे विचार से तो सेना है ना, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सेना तो मारने का काम करेगी, सेना में शांति की स्थापना। मैं बहुत चाहता हूँ, खुश हूँ इस विषय में कि ये जरूर होना चाहिए, सेना मैं चाहता हूँ। देखिएगा, वो तो सेना से संबंध नहीं है, लेकिन आत्मिक बल, आत्मिक हमारा समूह, आत्मिक बल सेना से कहाँ होगा? आत्मिक बल में सेना की क्या जरूरत? होना जरूर, सेना की जरूरत तो होती है किसी का मर्डर करने में, या किसी देश की सीमा को छीनने में, या उनके ऊपर अपना वर्चस्व कायम करने में। नहीं, हम किसी का कोई हम मिटाना चाहते नहीं। कबीर ने वर्चस्व कायम नहीं किया, कबीर ने अपनी ताकत या कबीर ने अपने अनुभव और कबीर ने अपनी सहजता, कबीर ने अपने निर्मलता से लोगों को जीता। की उदारता है जिसको कहते हैं, इस उदारता ने इसको संरक्षित रखा, और इस उदारता को कहीं किसी संघबद्ध में बना दीजिए, जैसे भी बात कर रहे हैं आरएसएस का, हिंदू सेना का, शिव सेना का, तो जब संगठन बनेगा, सेना बनेगी, तो फिर वहाँ ही टूटन होगा। हिंदू धर्म का कभी कोई संगठन नहीं बना, लेकिन आज इतिहास इतना पुराना सनातन धर्म का है, कोई तोड़ नहीं पाया। 700 साल तक मुसलमानों ने शासन किया, आज आप मुसलमान देश में है छोटी, हिंदू का शासन है, हिंदू राजा है, हिंदू, और आप चिल्ला रहे हो कि हमारा धर्म खतरे में है, चिल्ला रहे हो, ये राजनीतिक बात है। 200 साल ईसाइयों ने शासन किया, आप कह रहे हो धर्म मिट गया, धर्म मिटा रहे हैं, लेकिन ईसाइयों ने जो काम किया हिमाचल प्रदेश से लेकर मणिपुर से, लागा नल से, कोयमा से लेकर के, झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़,
आज उनको इंसान बनाने का काम किया। हम धर्म गुरु हैं, हम छत्र लगा के चलते हैं, हम चमर पीछे डुलवाते हैं, हम पालकी पे चलते हैं। हमने उन गरीबों के बारे में, हमने इन तीर्थों के बारे में कभी सोचा नहीं? सोचा तो कोई सोचने के लिए तैयार हुआ तो हम किसको रोकने के लिए? क्यों आप चाहते हो हिंदू बना रहे? क्यों नहीं चाहते कोई ईसाई बनकर इंसान बनकर हमारे समानांतर बैठने का हक हो गया, उनको दिया बनाया, आज भी बना रहे हैं, आज मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, इसलिए कि वो ईसाई मिशनरियों ने काम किया, उसको जानवरी जीवन से आकार के ऊपर उठा दिया। तो आज आपको पीड़ा लग रही है कि हमारा अंग कट गया, हमारा हाथ कट गया, तुमने क्यों नहीं किया? इतने दिन से हजारों साल के इतिहास गाते हो, इतना बड़ा महापुराण वेद पुराण की दुहाई देते हो कि हमारे भारतीय संस्कृति और धर्म दुनिया में कोई संस्कृति नहीं है, और बैठ कर तुम अपने पैर पुजाते रहो, चमर डुलवाते रहो, चमर छत्र पर चलते थे, घोड़े पर चलते हो, हाथी पर चलते हो, आपने कभी उसकी चिंता की? आज भी नहीं कर रहे हो, आज भी नहीं कर रहे हो, आज भी आदमी जो है अपनी व्यस्तता में रुके हुए हैं। दूसरी बात, हम उसी हिंदू परंपरा में हैं, हमारी पूजा है, हमको वेद को हम नहीं मानते, 100 गालियाँ दे देते हैं हम वेद को, ए बेकार है, ये ऐसे है, संस्कृत में है, समझते नहीं, जानते नहीं, पता नहीं क्या ज्ञान है। लेकिन कोई आज तक हमको नहीं कहा कि तुम भ्रष्ट आदमी हो, पति तो तुम हिंदू धर्म से गिर गया, ठीक है, कह दिया, सुन लिया, ख़त्म। ये जो उदारता है हम बता रहे हैं आपको, इसी उदारता ने इसको हजारों साल से लाखों साल से संरक्षित किया है। इस उदारता को जिस दिन आप बंद कर देंगे, जिस दिन रोक देंगे, जिस दिन संघबद्ध में बना देंगे, उस दिन टूटना शुरू हो जाएगा, मिटना शुरू हो जाएगा, ख़त्म हो करके बस दो लोग बच जाएंगे। सारी चीज़ें हैं, अब उसको ये तो संघ बनाना, बद्ध बनाना, सेना बनाना, लड़ाई लड़ना, आतंकवाद के बराबरी करना, आपके पास कहाँ ताकत है, आप कहाँ करेंगे? आपको एक संस्कार मिला है सत्य और प्रेम अहिंसा का, आप उसको चाहे हिंदू सेना बना लो, चाहे कबीर सेना बना लो, चाहे मोहम्मद सेना बना लो, बड़ा मुश्किल काम है। चलो बहुत बात हो गई, ज़्यादा बात कोई मत छेड़ो रे यार, हम कोई मत छेड़ो रे, तुम दूर खड़े रो रे यार, तुम अलग खड़े रो रे, मैं तो दीवाना नाम का मुझ कोई मत छेड़ो, और मैं तो दीवाना भजन का मुझ कोई मत छेड़ो। अरे कोई मत छेड़ो रे यार, हम कोई मत छेड़ो रे, यदि दूर खड़े रो रे यार, तुम अलग खड़े रो रे, सत का शमशेर हाथ में मार बैठूंगा, अरे गुरु का शमशेर हाथ में मारी बैठूंगा। अरे हाथी के इंसाफ से मैंने बाघ को घेरा रे, मैं इसी को फिरता ढूंढता, मैं इसी को फिरता ढूंढता, बन बन पुकारू रे, मैं तो दीवाना नाम का मुझे कोई मत छेड़ो, और मैं दीवाना भजन का मुझे कोई मत। क्यों मैंने अपना घर तो झाड़ लिया, योरन का झाड़ू रे, मैंने अपना घर तो झाड़ लिया, योरन का झाड़ू रे, मार बैठूंगा।
पर मैं तो दीवाना नाम का मुझे कोई मत छेड़ो, पर मैं तो दीवाना भजन का मुझे कोई मत छेड़ो, हाँ मैं तो दीवाना नाम का मुझे कोई मत छेड़ो।